हाय एवरीवन, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल इजी फार्मा। फ्रेंड्स, आज आप हम टॉपिक कवर करने वाले एक्सिपिएंट्स, जो कि आपके टेबलेट्स यहाँ फ्रेंड्स चैप्टर चल रहा है चैप्टर 5, तो उसी का फ्रेंड्स यहाँ पे एक पार्ट है। यानी जो लास्ट वीडियो लेक्चर फ्रेंड्स हमने यहाँ पे कवर किया था, जिसमें कि हमने यहाँ पे वेरियस मॉडिफाइड टेबलेट्स, जिसमें कि फ्रेंड्स सस्टेंड रिलीज टेबलेट्स, एक्सटेंडेड रिलीज टेबलेट्स, फास्ट डिसॉल्विंग टेबलेट्स एंड मल्टीलेयर टेबलेट्स, फ्रेंड्स ये सब हमने वहाँ पे कवर की थी। तो देन उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी फ्रेंड्स, वहाँ से आप उसको इजीली वॉच कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर हम जो कवर करने वाले हैं आपका एक्सिपिएंट्स, यहाँ पर आज हम कवर करने वाले हैं। देन फ्रेंड्स, इससे नेक्स्ट लेक्चर जो हम यहाँ पर कवर करें इवोल्यूशन टेस्ट ऑफ टेबलेट्स, तो फ्रेंड्स वो उसको कवर करने के बाद क्या हो जाएगी, आपके जो टेबलेट्स यहाँ पर टॉपिक है पूरा ही कम्प्लीट यहाँ पर हो जाएगा। तो फ्रेंड्स चलिए देख लेते हैं आज का हमारा टॉपिक एक्सिपिएंट्स। तो फ्रेंड्स, जनरली एक्सिपिएंट्स क्या होते हैं, यानी इनका कोई भी थेरापोटिक इफेक्ट नहीं होता, फिर भी इनका यूज़ हम क्या करते हैं, फार्मास्यूटिकल फॉर्मुलेशंस को प्रिपेयर करने में करते हैं। तो फ्रेंड्स मान लीजिए कोई भी फार्मास्यूटिकल फॉर्मुलेशंस आप प्रिपेयर कर रहे हैं, जैसे कि टेबलेट्स, कैप्सूल्स, इमल्सन, सस्पेंशंस, तो उसमें क्या होता है फ्रेंड्स, आपको अगर माइक्रो ऑर्गेनिज्म में उस प्रिपेशन को बचाना है तो आप एंटी माइक्रोबियल एजेंट्स उसमें यूज़ करते हैं, किसी भी तरह से उसको मतलब कलरफुल बनाना है तो कलरिंग एजेंट्स का यूज़ करते हैं। देन फ्रेंड्स आपको क्या करना है, फ्लेवरिंग एजेंट्स उसमें ऐड करते हैं। तो फ्रेंड्स बहुत ही टाइप्स के यहाँ पे जैसे बाइंडर्स वगैरह, डाइल्यूएंट्स, आप बहुत ही सारे एक्सिपिएंट्स का उसमें यूज़ करते हैं, क्योंकि फ्रेंड्स विदाउट एक्सिपिएंट्स कोई भी फार्मास्यूटिकल फॉर्मुलेशन आप प्रिपेयर नहीं कर सकते। चलिए एग्जाम्पल फ्रेंड्स इस तरह से समझ लेते हैं, आपको क्या करना है, कोई भी टेबलेट्स आपको फ्रेंड्स यहाँ पर प्रिपेयर करनी है। अब टेबलेट आप ऐसे तो प्रिपेयर नहीं कर सकते, उसके लिए क्या होता है फ्रेंड्स, आपको क्या लेना होता है, यहाँ पर ग्रेन्यूल्स लेने होते हैं। यानी किस चीज़ के ग्रेन्यूल्स होते हैं, आपके पाउडर के। तो फ्रेंड्स पाउडर आपका क्या होता है, यहाँ पे एपीआई यानी एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स। अब फ्रेंड्स ये क्या होते हैं, इसको आप मेडिकेशंस भी यहाँ पे कह सकते हैं, यानी वो ड्रग्स जो जिसकी आप क्या कर रहे हैं, यहाँ पे टेबलेट्स प्रिपेयर कर रहे हैं। देन फ्रेंड्स साथ में आपको इसके क्या लेना होता है, एक्सिपिएंट्स। तो फ्रेंड्स एक्सिपिएंट्स जो होते हैं आप इस पर कुछ भी हो सकते हैं, आपके कलरिंग, फ्लेवरिंग, प्रिजर्वेटिव्स, बाइंडर्स, फ्रेंड्स कुछ भी यहाँ पर हो सकते हैं, ठीक है ना। तो फ्रेंड्स आपने क्या किया, इन दोनों को यहाँ पे ऐड कर लिया, यानी मिक्सअप कर लिया। उसके बाद क्या करते हैं फ्रेंड्स, एक हम पंचिंग मशीन लेते हैं, जिसमें बीच में इसको ऐड करते हैं, साथ ही में पंच यानी कंप्रेशन के थ्रू क्या कर लेते हैं, आप एक टेबलेट यहाँ पे प्रिपेयर कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स इसमें किस चीज़ का मेन यूज़ यहाँ पर रहा, एक तो जो आपका एक जो फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स थे, देन सेकंड यहाँ पे एक्सिपिएंट्स, यानी बहुत ही टाइप्स के फ्रेंड्स क्या करते हैं, आगे हम इसको पढ़ेंगे डेफिनेशंस में किस किस तरह से हम इसका यूज़ कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स आई होप आपको एक्सिपिएंट्स जो है बहुत ही अच्छे से समझ आ गया होगा। तो फ्रेंड्स चलिए देख लेते हैं, फर्स्ट इसकी डेफिनेशन हम देख लेते हैं। तो फ्रेंड्स जो हिंदी प्लस इंग्लिश में नोट्स में प्रिपेयर करने वाले बच्चे हो, साथ ही में साथ इसको फ्रेंड्स नोट्स प्रिपेयर करते हुए चले चलिए देख लेते हैं फ्रेंड्स, यानी टेबलेट्स आपने लिए एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स और एक्सिपिएंट्स। फ्रेंड्स क्या किया आपने, एक टेबलेट्स यहाँ पे प्रिपेयर कर ली। चलिए इसकी डेफिनेशन हम देख लेते हैं, यानी दीज आर दोज सब्सटेंसेस विच हैज़ नो थेरापोटिक वैल्यू, यानी फ्रेंड्स इन सब्सटेंस की कोई भी थेरापोटिक वैल्यू नहीं होती, किसकी, एक्सिपिएंट्स की, बट आर एडिड विद ड्रग इन फॉर्मुलेशन, लेकिन फिर भी फ्रेंड्स यानी इनका कोई थेरापोटिक वैल्यू नहीं है, उसके बावजूद क्या करते हैं हम टेबलेट्स या कैप्सूल किसी फार्मास्यूटिकल फॉर्मुलेशंस में हम इसका यूज़ करते हैं। तो फ्रेंड्स रीज़न क्यों, यानी फॉर हेल्प इन प्रोडक्शन, यानी किसी भी फॉर्मुलेशंस के प्रोडक्शन में बहुत ही एक इंपॉर्टेंट रोल यहाँ पर निभाते हैं। इम्प्रूव पेशेंट्स एक्सेप्टेबिलिटी, अब फ्रेंड्स जो पेशेंट्स होते हैं यहाँ पे एक्सेप्टेबिलिटी का मीन्स फ्रेंड्स क्या है, यानी देख के किसी चीज़ की तरफ को एट्रैक्टिव होना। तो फ्रेंड्स आप कभी भी शॉपिंग वगैरह करने जाते हैं तो क्या होता है, कोई भी कपड़े आपको लेने, यानी उसका कलर आपको अच्छा लगता है, डिज़ाइन अच्छा लगता है, उसी बेस पर आप फ्रेंड्स उसको सेलेक्ट करते हैं। तो इसी तरह से क्या होता है फ्रेंड्स, कोई भी टेबलेट्स आप वहाँ पर एडमिनिस्ट्रेट करने के लिए ले रहे हैं तो कुछ टेबलेट्स फ्रेंड्स इतने भद्दे कलर की होती है, यानी इतनी या साइज़ में ज़्यादा होती हैं फ्रेंड्स, ऐसे कि जिसको देख के आपको एडमिनिस्ट्रेट यानी खाने का मन नहीं करता। पेशेंट में फ्रेंड्स क्या होती है, मान लीजिए आपने उसमें कलरिंग एजेंट्स अच्छे मिलाए हैं, जिससे कि उसको देखने के बाद ही आपको एट्रैक्टिव लगे, जिससे कि खाने में आपको कोई भी दिक्कत वहाँ। फ्रेंड्स सम टेबलेट्स ऐसी होती है जिनका बिटर टेस्ट वगैरह होता है, तो उनको आप इजिली एडमिनिस्ट्रेट नहीं कर सकते, क्योंकि आपकी टंग के प्रेजेंट्स में आकर टच होती है, जिससे कि बिटर टेस्ट आपके माउथ में होता है। तो उस कंडीशन में फ्रेंड्स क्या करते हैं, आप यहाँ पर फ्लेवरिंग एंड स्वीटनिंग एजेंट्स आप उसमें यूज़ कर सकते हैं, जिससे कि उसके टेस्ट को आप छिपा सकते हैं, देन उसके ऑर्डर को फ्रेंड्स आप वहाँ पर छिपा सकते हैं। तो इस तरह से क्या करते हैं, इंप्रूव कर देती है पेशेंट की एक्सेप्टेबिलिटी को एंड इंप्रूव स्टेबिलिटी। तो फ्रेंड्स क्या होता है, यानी कुछ आप एंटी माइक्रोबियल एजेंट्स उसमें यूज़ कर रहे हैं, या कुछ ऐसे एजेंट्स फ्रेंड्स यूज़ कर रहे हैं जिससे कि मान लीजिए जो फिल्म कोटिंग आप वगैरह करते हैं, तो क्या करती है फ्रेंड्स, वो आपको मॉइस्चर से वहाँ पर प्रिवेंट करती है। तो आप फिल्म कोटिंग किसके थ्रू कर रहे हैं फ्रेंड्स, एक्सिपिएंट्स के थ्रू ही वहाँ पे करते हैं। तो फ्रेंड्स ये क्या हो जाती है, आपके एक्सिपिएंट्स पूरे ही यहाँ पे फ्रेंड्स आपको अच्छे से समझ आ गए होंगे। देन चल देख लेते हैं फ्रेंड्स, कौन कौन से एक्सिपिएंट्स हैं जो फार्मास्यूटिकल फॉर्मुलेशंस में यहाँ पे यूज़ करते हैं। तो फ्रेंड्स सारे हमने यहाँ पे वैसे लिखे हुए नहीं, लेकिन मोस्टली जितने फ्रेंड्स हमने यहाँ पे लिखे हुए इनके बारे में हम आपको बताएंगे। तो फ्रेंड्स कौन कौन से ऐसे यहाँ पे एक्सिपिएंट्स हैं जो हम यहाँ पे फ्रेंड्स स्टडी करने वाले हैं, यानी फर्स्ट हम देखेंगे डाइल्यूएंट्स फ्रेंड्स, ग्रेनुलेटिंग एजेंट्स। तो फ्रेंड्स बार बार से सभी को हम यहाँ पर देखने वाले हैं।
चलिए फर्स्ट की प्रॉपर्टीज़ देख लेते हैं, यानी कोई भी यानी हम किसी कोई भी एक्सीपेंट्स अगर अपनी फार्मास्यूटिकल फॉर्मुलेशंस में यूज़ कर रहे हैं तो क्या क्या फिजिकल प्रॉपर्टीज़ है जो उसके अंदर होनी चाहिए। फिजियोलॉजिकली इनर्ट, फ्रेंड्स क्या होते हैं फिजियोलॉजिकली ये इनर्ट होनी चाहिए जिससे कि हमारी किसी फार्मास्यूटिकल फॉर्मुलेशंस को वहाँ पे कोई भी हार्मफुल इफेक्ट ना हो। नॉन टॉक्सिक, यानी फ्रेंड्स नॉन टॉक्सिक होना चाहिए, क्योंकि अगर ये टॉक्सिक होगा तो फ्रेंड्स वो जो टेबलेट्स आप प्रिपेयर कर रहे हैं वहाँ पे अच्छी क्वालिटी की नहीं होगी, जिससे कि पेशेंट्स को भी साइड इफेक्ट वहाँ पे हो सकता है। तो इसको क्या होना चाहिए फ्रेंड्स, नॉन टॉक्सिक होना चाहिए। लो कॉस्ट, तो फ्रेंड्स अगर इसकी कॉस्ट ज़्यादा महंगी है जिससे कि टेबलेट्स प्रिपेयर करने में आप उसमें एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स भी यूज़ कर रहे हैं, देन ज़्यादा कॉस्टली आपने यहाँ पे एक्सीपिएंट्स यूज़ कर लिया तो उसकी कॉस्ट जो हो जाएगी फ्रेंड्स वहाँ पे इंक्रीज हो जाएगी, तो ऐसा भी नहीं होना चाहिए। देन फ्री फ्रॉम माइक्रोब्स, तो फ्रेंड्स क्या कर रहे हैं मान लीजिए एंटी माइक्रोबियल एजेंट्स का आप यूज़ कर रहे हैं किसी भी अदर एक्सीपिएंट्स का, तो अगर पहले ही माइक्रोब्स उसके अंदर प्रेजेंट्स तो उससे क्या होता है फ्रेंड्स आपकी फार्मास्यूटिकल फॉर्मुलेशंस जो आपकी आप अच्छी करने की कोशिश कर रहे थे वहाँ पे वो ख़राब हो सकती है, तो क्या होना चाहिए फ्रेंड्स फ्री फ्रॉम माइक्रो ऑर्गेनिज्म होना चाहिए। तो चलिए फर्स्ट हम देख लेते हैं यहाँ पे डाइल्यूएंट्स, तो फ्रेंड्स डाइल्यूएंट्स क्या है, जो आपका ये टॉपिक है इसको पर्टिकुलरली मतलब इतना डिटेल्स में आपसे नहीं पूछेगा, समटाइम्स आपसे 4 मार्क्स में 2 मार्क्स में पूछ लिया जाएगा, देन फ्रेंड्स के आने के चांसेस बहुत ही ज़्यादा रहते हैं, क्योंकि क्या है एक इंपॉर्टेंट रोल यहाँ पे करता है अपनी फार्मास्यूटिकल फॉर्मुलेशंस में, तो इसको अच्छे से फ्रेंड्स आप यहाँ पे स्टडी करें। तो इसके फ्रेंड्स डाइल्यूएंट्स का आप ऐसे समझ लीजिए यानी किसी भी आपकी फार्मास्यूटिकल फॉर्मुलेशंस को डाइल्यूएंट्स करने का जो वर्क करते हैं उसको हम क्या कहते हैं यहाँ पे डाइल्यूएंट्स कहते हैं। देन कौन कौन से फ्रेंड्स डाइल्यूएंट्स एजेंट्स का हम यहाँ पे यूज़ करते हैं, जैसे कि डेक्सट्रोज का हम यूज़ करते हैं, देन स्टार्च सोर्बिटोल्स लैक्टोज कैल्शियम मैनिटोल एंड ग्लूकोज, तो फ्रेंड्स ये क्या होते हैं आपके यहाँ पे डाइल्यूएंट्स होते हैं। देन चलिए नेक्स्ट हम देख लेते हैं फ्रेंड्स यहाँ पे ग्रेनुलेटिंग एजेंट्स, तो फ्रेंड्स ग्रेनुलेटिंग एजेंट्स आपको समझ आ रहा होगा यानी ग्रेन्यूल्स की फॉर्म में हम चेंज करते हैं, यानी वो प्रोडक्ट वो एक्सीपिएंट्स जिनका हम यूज़ करते हैं ग्रेन्यूल्स बनाने में, तो उसको फ्रेंड्स हम क्या कहते हैं यहाँ पे ग्रेनुलेशन एजेंट्स कहते हैं। जिसके फ्रेंड्स आप एग्जांपल से यहाँ पर देख सकते हैं आपके पास क्या है यहाँ पे फाइन पाउडर्स है, यानी एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स का यहाँ पे आपके पास फाइन पाउडर्स है, तो फ्रेंड्स प्लस आपने क्या कि यहाँ पे ग्रेनुलेटिंग एजेंट्स इसमें आपने ऐड करते हैं, जिससे कि फ्रेंड्स आपने इसके अंदर यहाँ पे पाउडर ऐड किया जिससे क्या होगा फ्रेंड्स आपके मतलब एक ड्राई फॉर्म, वैसे तो वेट फॉर्म में आ जाएंगे, देन उसको आप ड्राई करने के बाद क्या कर लेते हैं फ्रेंड्स यहाँ पे एक ग्रेन्यूल्स की फॉर्म में इनको चेंज कर लेते हैं, देन उसके बाद फ्रेंड्स कंपेरिजन मेथड के थ्रू यहाँ पर आपके टेबलेट्स बनकर प्रिपेयर हो जाती है। तो फ्रेंड्स जो आपके ग्रेनुलेटिंग एजेंट्स होते हैं ये ग्रेन्यूल्स की फॉर्मुलेशन में क्या होते हैं यहाँ पर यूज़ किए जाते हैं, यानी वो एजेंट्स जिनका यूज़ हम ग्रेनुलेशन फॉर्मुलेशन में करते हैं उन्हीं को हम यहाँ पर ग्रेनुलेटिंग एजेंट्स कहते हैं। फ्रेंड्स इसमें चलिए देख लेते हैं कौन कौन से ऐसे ग्रेनुलेटिंग एजेंट्स होते हैं जिनका यूज़ हम यहाँ पे फार्मास्यूटिकल फॉर्मुलेशंस में करते हैं, जैसे फ्रेंड्स ट्रेगोग्रेंथ होता है, देन मोसिलेस ऑफ स्टार्च चेंज करते हैं एंड वाटर एल्कोहल, तो फ्रेंड्स ये भी क्या होते हैं यहाँ पे आपके ग्रेनुलेटिंग एजेंट्स होते हैं। देन चलिए थर्ड में देख लेते हैं यहाँ पे बाइंडिंग एजेंट्स, तो फ्रेंड्स इसको बाइंडर भी हम कहते हैं, तो हमने जो वहाँ पे फॉर्मुलेशंस ऑफ टेबलेट्स फ्रेंड्स स्टडी किया था जिसमें कि हमने ड्राई ग्रेनुलेशन एंड वेट ग्रेनुलेशंस, तो वहाँ फ्रेंड्स जो बाइंडर हमारे यूज़ किए जा रहे थे वहाँ पे ड्राई ग्रेनुलेशन में भी यूज़ किए जा रहे थे और वेट ग्रेनुलेशंस में, यानी फ्रेंड्स ये क्या करते हैं बाइंड करने का वर्क करते हैं, यानी कोई भी 2 एक्सीपिएंट्स हैं उनको क्या करते हैं बाइंड करने का वर्क वहाँ पे करते हैं। तो फ्रेंड्स क्या होता है चलिए यहाँ पे फाइन पाउडर्स हैं यहाँ पे किसी भी ड्रग्स के, देन आपने क्या किया फ्रेंड्स आप ग्रेनुलेटिंग एजेंट्स ले लिए और साथ ही में फ्रेंड्स क्या किया आपने इसमें बाइंडर भी ऐड कर दिए, जिससे क्या होता है साथ में जो आपके ग्रेनुलेटिंग एजेंट्स के, तो इन्होंने क्या किया फ्रेंड्स इसको बाइंड करने का वर्क यहाँ पे किया, जिससे कि बाइंड होने के साथ में क्या हो गया आपके ग्रेनुल्स यहाँ पे प्रिपेयर हो गए। तो फ्रेंड्स आप कौन कौन से ऐसे बाइंडर एजेंट्स होते हैं जिनका हम यूज़ कर सकते हैं, तो ट्रेगोग्रेंथ फ्रेंड्स यहाँ पे होता है, देन अकेसिया जिलेटिन सुक्रोज स्टार्च और साथ ही में पेस्ट सेलो, तो फ्रेंड्स ये क्या होते हैं आपके यहाँ पे बाइंडर्स होते हैं यानी जिसे आप बाइंडिंग एजेंट्स भी कहते हैं। देन फ्रेंड्स आपके यहाँ पे आ जाते हैं फ्लेवरिंग एजेंट्स, तो फ्लेवरिंग एजेंट्स तो फ्रेंड्स नाम से पता चल रहा है यानी किसी भी फॉर्मुलेशंस को जो फ्लेवर देने का वर्क करते हैं उन्हीं को हम क्या कहते हैं यहाँ पे फ्लेवरिंग एजेंट्स कहते हैं। देन चल देख रहे थे फ्रेंड्स यहाँ फिफ्थ हमारा क्या आता है लुब्रिकेंट्स, तो फ्रेंड्स नाम से आपको समझ आ रहा होगा यानी फार्मास्यूटिकल फॉर्मुलेशंस को लुब्रिकेंट करने का वर्क करते हैं, यानी कि किसी भी प्रोडक्ट को यानी फ्रेंड्स कोई भी आपके पास क्या है कोई भी मान लीजिए कोई भी ग्रेन्यूल्स है तो क्या होता है उसकी सरफेस से फ्रिक्शन वगैरह होता है तो उस फ्रिक्शंस को रिमूव करने के लिए फ्रेंड्स क्या करते हैं हम लुब्रिकेंट्स का यूज़ करते हैं। तो फ्रेंड्स इसमें कौन कौन से लुब्रिकेंट एजेंट्स होते हैं जिसका हम यूज़ करते हैं, जैसे कि स्टेरिक एसिड का हम यूज़ करते हैं, मैग्नीशियम स्टेरेट्स का हम यूज़ करते हैं, साथ ही में टाल्क सर्फेक्टेंट, तो फ्रेंड्स ये क्या होते हैं आपके यहाँ पे लुब्रिकेंट्स होते हैं। देन चलिए यहाँ पे देख लेते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट यहाँ पे फ्लेवरिंग एजेंट्स, तो फ्रेंड्स फ्लेवरिंग एजेंट्स आई थिंक आपका क्या हो गया यहाँ पे डबल हो गया, तो फ्रेंड्स चलिए आप नेक्स्ट देख लेते हैं यहाँ पे स्वीटनिंग एजेंट्स, फ्रेंड्स स्वीटनिंग एजेंट्स वही होते हैं जो आपको किसी भी प्रोडक्ट होता है उसको स्वीट बनाने का वर्क करते हैं, जैसे कि आपने फ्रेंड्स पीछे पढ़ा था शुगर कोटेड टेबलेट्स यानी उसमें सुक्रोज या
शुगर का हम यूज़ कर लेते हैं किसी भी शुगर कोटिंग करने के लिए किसी भी टेबलेट्स को। तो फ्रेंड्स जो सुक्रोज होता है, लैक्टोज होता है, मैनिटोल होता है एंड सैकरिन, तो फ्रेंड्स ये क्या होते हैं, यहाँ पे स्वीटनिंग एजेंट्स का वर्क करते हैं। यानी किसी भी बिटर टेस्ट की टेबलेट्स को स्वीट टेस्ट में चेंज करने के लिए क्या करते हैं, हम स्वीटनिंग एजेंट्स का यूज़ करते हैं। तो नेक्स्ट हम देख लेते हैं फ्रेंड्स कलरिंग एजेंट्स, यानी वो एजेंट्स जिनका यूज़ हम किसी भी फार्मास्यूटिकल प्रिपरेशंस को कलर देने के लिए करते हैं, उन्हीं को हम यहाँ पे कलरिंग एजेंट्स कहते हैं। तो फ्रेंड्स मान लीजिए कोई भी कोटिंग करने में क्या करते हैं, आप कलरिंग एजेंट्स का भी यूज़ करते हैं। यानी अगर आपको रेड कलर की टेबलेट्स बनानी है, देन आपको येलो कलर की टेबलेट्स बनानी है, तो फ्रेंड्स उसी कलर का क्या करते हैं, आप फार्मास्यूटिकल फॉर्मुलेशंस में ऐड कर देते हैं, जिससे कि आपकी टेबलेट्स कोई भी फार्मास्यूटिकल फॉर्मुलेशन से उसी कलर की वहाँ बन के प्रिपेयर हो जाती है। फ्रेंड्स यहाँ पे लेग्स होती है, देन डी एन सी होती है, और रेड 22 आपका होता है, देन फ्रेंड्स यहाँ पे येलो 5। तो फ्रेंड्स ये क्या होते हैं, यहाँ पे कलर्स होते हैं जिनका यूज़ हम फार्मास्यूटिकल फॉर्मुलेशंस में एज ए कलरिंग एजेंट्स करते हैं। देन फ्रेंड्स लास्ट आपका यहाँ पे आ जाता है, यानी सेकंड लास्ट फ्रेंड्स प्रिजर्वेटिव्स। अब प्रिजर्वेटिव्स का फ्रेंड्स हम यूज़ क्यों करें, यानी कोई भी फार्मास्यूटिकल फॉर्मुलेशन में फ्रेंड्स मान लीजिए क्या है, आपके पास ये इमल्सन है। अभी जो फ्रेंड्स इमल्सन है क्या करते हैं, आपको कोई भी एनवायरनमेंट में ये आता है तो क्या होता है फ्रेंड्स, यहाँ पर मान लीजिए कोई भी कंटेनर से जिसके अंदर आप इसको फिट कर रहे हैं, यानी इसको इनक्लोज्ड कर रहे हैं, तो इस सिचुएशन फ्रेंड्स क्या होता है, माइक्रोऑर्गेनिज्म के थ्रू क्या हो सकता है, ये इन्फेक्टेड यहाँ पर हो सकता है। तो अब इमल्सन के अंदर फ्रेंड्स आपने क्या किया, यहाँ पर प्रिजर्वेटिव्स का यूज़ कर लिया। अब इसके फ्रेंड्स लाइफ को क्या करेगा, इंक्रीज़ कर देगा, साथ ही में क्या करेगा, यहाँ पर इनहिबिट करने का वर्क करता है माइक्रो ऑर्गेनिज्म को। यानी इसके अंदर जो होते हैं पहले से क्या है, प्रिजर्वेटिव्स फ्रेंड्स ऐड किए गए, जिससे कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म के थ्रू इसमें कंटामिनेशंस नहीं हो सकती। फ्रेंड्स कौन कौन से प्रिजर्वेटिव्स है जिनका यूज़ हम करते हैं यहाँ पे फार्मास्यूटिकल फॉर्मुलेशंस में, तो फ्रेंड्स मिथाइल पैराबिन का भी हम यूज़ करते हैं, साथ में इथाइल पैराबिन, तो फ्रेंड्स टू यहाँ पे सब्सटेंस होते हैं जिनका यूज़ हम करते हैं। देन फ्रेंड्स लास्ट हमारे यहाँ पर आ जाता है एडसॉर्बिंग एजेंट्स। तो फ्रेंड्स एडसॉर्बिंग एजेंट्स कौन से होते हैं, जो किसी भी मटेरियल को फ्रेंड्स क्या करते हैं, एडसॉर्ब करने का वर्क करते हैं। यानी मान लीजिए कोई भी टेबलेट्स आपकी है, उसकी प्रेजेंस में मॉइस्चर्स वगैरह अगर आ जाए तो उसको क्या कर लेंगे, वहाँ पर एब्जॉर्ब कर लेंगे, इसलिए हम इनको क्या कहते हैं, एब्जॉर्बिंग एजेंट्स कहते हैं। तो फ्रेंड्स इसकी डेफिनेशन चलिए हमने यहाँ पे लिखी हुई, जैसे कि दो सब्सटेंसेस और मटेरियल्स विड आर यूज और एडिट इन टेबलेट फॉर्मुलेशंस टू एब्जॉर्ब द मॉइस्चर्स। यानी फ्रेंड्स वो प्रोडक्ट जिनको हम टेबलेट की फॉर्मुलेशंस में ऐड करते हैं मॉइस्चर्स को एब्जॉर्ब करने के, उन्हीं को हम क्या कहते हैं, एब्जॉर्बिंग एजेंट्स कहते हैं। तो इसमें फ्रेंड्स सिलिका जेल होता है, जिसका यूज़ हम एज ए एब्जॉर्बिंग एजेंट्स फ्रेंड्स यहाँ पे करते हैं। तो फ्रेंड्स आई होप आपको पूरा ही लेक्चर्स बहुत ही अच्छे से समझ आ गया होगा। इनसे जो नेक्स्ट आपका हम टॉपिक यहाँ पे कवर करने वाले हैं, एवोल्यूशन टेस्ट ऑफ टेबलेट्स। तो फ्रेंड्स इसको हम क्वालिटी कंट्रोल टेस्ट भी कहते हैं। तो पूरे को हम फ्रेंड्स यहाँ पे अच्छी डिटेल्स में फ्रेंड्स यहाँ पे हम कवर करेंगे। तो फ्रेंड्स मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।